आज हम ब्रॉन के सेटअप स्टडी करेंगे बीएच कर्व ऑपरेटर्स। इसमें एक इंटरनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और हम वोल्टेज एसी की उसकी वोल्टेज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 10, 20 और 30 आ रही है और यहाँ से हम पोटेंशियोमीटर से इसको वेरी कर सकते हैं। जो ये पोटेंशियोमीटर का साइन बना हुआ है ये हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू। ये इंटरनली सर्किट में लगा हुआ है चीज़ें। और दूसरा हमारा सेटअप में है एक CRO, हमारी 10 मेगाहर्ट्ज़ की CRO है। ये सिंगल ट्रेस है ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी चीज़ों को समझना है। एक इसकी ये CRO की प्रॉब्स हैं, एक एक्स के लिए है, ये एक्स इनपुट के लिए और एक वाई इनपुट के लिए। और हमारे पास दो तारे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक वाई इनपुट और एक्स इनपुट, यानी कि ये CRO से जब कनेक्ट होएंगी तो ये एक इनपुट यहाँ कनेक्ट होएगी, एक इनपुट यहाँ आएगी। ये कॉमन अर्थ दोनों की जो प्रॉब की है वो यहाँ कॉमन होएगा। इसी तरह से इसके अंदर एक्स इनपुट दे रखे हैं और वाई इनपुट दे रखे हैं। हम दो जगह से कनेक्ट करेंगे, एक इस सेक्टर वाई से हम वाई में यहाँ जुड़ेंगे। अब हम सबसे पहले CRO को स्टार्ट करते हैं। जब हम इस CRO स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे इसमें एक स्पॉट आना शुरू हो जाएगा। ये स्पॉट आ रहा है, ये छोटे स्पॉट को हम इसको हम यहाँ से देखें और देखिए इसको कि हम इसको फोकस कर सकते हैं। शार्प फोकस कर दिया ताकि हमारे को स्टडी करना आसान हो जाए और इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए ये ब्राइटनेस इसकी चेंज हो रही है और ये इसकी स्पॉट की फोकसिंग। सबसे पहला काम है कि हम इसकी स्पॉट को फोकस में लेंगे। दूसरा पोजीशन है इसकी, यहाँ से एक्स और वाई पोजीशन, ये पोजीशन से हम यहाँ से वेरी हो रहा है, ये लिखा रहा है ऐसे पोजीशन वेरी होता है, हम इसको सेंटर में ले आते हैं। सेकंड पोजीशन से हम इसको ऊपर नीचे लेके हम एग्जैक्टली यहाँ सेंटर में ले आते हैं। अगर हम टाइम पीरियड को चेंज करेंगे और ये एक्सटर्नल पे रख दें या इंटरनल पे रख दें तो ये आपका यहाँ से इसका वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए लाइन बन जाती है। ये हमने इसका सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें स्पॉट लेना है और ये स्पॉट हमने एक्सटर्नल पे रखना है कि हमने एक्सटर्नल की इनपुट को देना है। अब देखिए मैं इस ये BNC केबल है, इसके अंदर यहाँ से एक पिन होती है सेंटर में, वो मैंने यहाँ से अटैच करके एक ये इसके अंदर अटैच कर दी। ये मेरी एक केबल है वाई से आ रही है, एक्स इनपुट से। एक्स इनपुट की केबल के लिए मैं यहाँ पे भी आपकी दो वायर्स को मैं अटैच कर लेता हूँ। एक मैंने इसमें कर ली और दूसरे वाली हमने वाई इनपुट एक्स इनपुट से कर ली। एक्स इनपुट को मैं ये इस टाइप की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैंने यहाँ से अटैच कर दिया। और ये एक कॉमनली है जो इसका अर्थ है, ये सेकंड पॉइंट, वो मैंने अर्थ से यहाँ अटैच कर दिया। अब देखिए एक मैंने सेटअप यहाँ अटैच करा, सेकंड अभी मेरे पास फ्री है। सेकंड मैंने इनपुट अटैचमेंट करी वाई से, ये वाई इनपुट से अटैच कर दी और ये अभी हमने स्विच ऑफ कर रखा है। और इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और ये इसकी ग्राउंड को भी मैं सेम इसी नीचे वाले से अटैचमेंट कर देता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके अंदर कोई बनाना पिन लगा के या कोई और पिन लगा के जोड़ देते हो। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, चेकअप आपको करके बताता हूँ कि ये सिंगल स्पॉट लेना है, इंटेंसिटी चेंज करके, फोकस चेंज करके, ये एक्सटर्नल पे रखना है और ये AC पे रखना है। इसको DC पे नहीं रखेंगे, हम AC पे रखेंगे। Y इनपुट Y में कनेक्ट होगी, X इनपुट X में कनेक्ट होगी और इसकी ग्राउंड दोनों आपस में यहाँ से जुड़ जाएंगे। जब हम इसको ऑन करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने पे हमें कनेक्ट कर दिया, हमने ये कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें इसकी कर्व नज़र आ रही है, देखिए ये। अब मैंने इसको क्या किया, हमारे पास ये इसकी इंटेंसिटी को हमने चेंज करके, पोजीशन को चेंज करके लेना है और अब इसकी कर्व को हमने सेटिंग करनी है। ये देखिए इसकी वोल्टेज को यहाँ पे आ रही है, ये जब मैं चेंज करूँगा इसके अंदर पोजीशन में चेंज हो जाता है। इससे गेन से हमने कम कर लिया और इससे हमने पोजीशन सेंटर कर ली। अब हमारे पास ये पोजीशन सेंटर ले चुके हैं,
ये हमारे पास गेन मैक्सिमम लिया हुआ है। अब मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ और देखिए इसके अंदर कैसे चेंज आती है। ये देखिए आपको सीआरओ की बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है। अगर मैं इस वोल्टेज को चेंज करता हूँ तो इसकी हाइट बदल जाती है, ये बदल जाती है। ये क्योंकि मोबाइल से हम फोटो खींच रहे हैं इसलिए ये आपको ऐसे फ्लिकर करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मोबाइल कैप्चर कर पा रहा है। अब जो है अब हम एक्सपेरिमेंट को बुक से देखते हैं। ये हमारा है बुक एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बीएच कर्व ऑफ ए फेरो मैग्नेटिक मटीरियल। अब इसके अंदर ये जो मटीरियल फेरो मैग्नेटिक दिखाया हुआ है ये यहाँ हमारा इसके अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये सर्किट ये वाला मैंने आपको दिखा दिया, ये कर्व ऐसे बन रही है जो मेरे को अभी आपको दिखाई, और प्रोसीजर मैंने आपको ये इसका बुक के अंदर दिया हुआ है। प्रोसेस आपकी भी सब बुक्स में दिया हुआ होता है कैसे काम करेगा, स्लोली आप उसको देख सकते हो एक्स एंड वाई से कैसे जोड़ना है, और ये प्रोसीजर दे रखा है कि सबसे पहले हमने स्विच ऑन करके सीआरओ को एक सिंगल स्पॉट में लेना, वो मैंने आपको बताया, और एक्स एंड वाई को कनेक्ट करना है। अब हमारे पास जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है तो हमने ये इसका ग्राफ एक ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये देखिए यहाँ से देखिए ये सेंटर है ज़ीरो, यहाँ पे ये लाइन सेंटर है और ये लाइन सेंटर है, तो 1 2 3 4 इधर भी है 1 2 3 4 ऊपर भी है 1 2 3 4। ये हमने चार का ग्राफ पेपर लिया और ये इसके अंदर एग्जैक्टली ये दिखाई देगा आपको। ये देखिए सेंटर है यहाँ, इससे चलेंगे 1 2 3 4 तक ये आई हुई है कर्व, और इस सेंटर से 1 2 3 4 यहाँ तक आई हुई है, और इससे ऊपर 1 2 3 4। इस ग्राफ को हम इससे नोट कर लेते हैं, ये इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारा एग्जैक्टली सेम ग्राफ बन जाता है। फिर आपके पास कैलकुलेशन है कौन सा एक्सिस में क्या आ रहा है कैसे हो रहा है। अगर हम इसको वाइप करें बीएच कर्व जो कैसे रिप्रेजेंट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स से और उसका मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म के ऑल्टरनेट से होने से, क्योंकि एसी करंट है इसलिए ऑल्टरनेटिंग होता है ये, इसके बारे में आपको बुक्स में अपने पास भी है सारे कैसे करना है कैसे इसका वो आपके अलग अलग वाइवा है ये आपको बीएच कर्व कैसे काम करेगा कैसे आपने करना है ये पूरा पूरा थ्योरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। वाइवा के लिए पूरी स्टडी कर सकते हो आप, और हमारी वेबसाइट के ऊपर जा कर के अलग से वीडियोस भी आप देख सकते हैं। विजिट करिए abron01@gmail.com के ऊपर मेल भेजिए या www.abronexports.com। अगर हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी ब्राइट दिखाई दे रही है अभी, देखिए ये इसकी इंटेंसिटी से कम या ज़्यादा हो सकती है। ये मैंने फुल ब्राइटेस्ट कर दी, स्पॉट अगर नहीं करेंगे तो ये थोड़ी धुंधली हो जाएगी, और इसको करेंगे शार्प तो शार्प दिखने लग जाएगी। टाइम पीरियड जो है आपका ये इसकी वाई गेन है और इसी से आपका ये एक्स गेन और पोजिशन हो जाती है राइट एंड लेफ्ट पोजिशन। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है व्यू में तो आपको करना है। अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ इसमें कुछ सेक्शन, ये मैंने चेंज किया तो इसकी एंगल बदलता जा रहा है, वोल्टेज से चेंज कर रहा हूँ तो भी उससे हो रहा है। ये वोल्टेज एसी वोल्टेज इनपुट वगैरह, ये आप विजिट करिए एब्रॉन का वेबसाइट, हमें सब्सक्राइब करिए, और होप कोई आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक करिए शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।